नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक सूचना के तौर पर आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आज के आपके प्रमुख अखबारों में एक जो है खबर को तरजीह दी गई है और वो खबर ये है, लगभग वैकेंसी 45,000 के करीब है, लेकिन आज की सरकार और युवाओं का भविष्य, दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो सरकार करना क्या चाह रही है, युवाओं के साथ किस भांति से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो रहा है। एडेड में चाहे टीचर की वैकेंसी रही हो, नॉन टीचिंग स्टाफ की अभी आपकी बाकी थी और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर के एक आपकी पेपर कटिंग आपके सामने दिख रही है। इस पेपर कटिंग में इस बात का आपका उल्लेख है कि एडेड जितने भी अपने यहां माध्यमिक स्कूल हैं इनमें 10 साल के बाद नियुक्ति आपकी खुलने जा रही है। मतलब आप देखिए 12 के बाद लगभग इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई थी जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। अब जब बात करें एडेड में किसी हाई स्कूल के स्तर के विद्यालय की और 12वीं स्तर के विद्यालय की, तो जो हाई स्कूल का आपका विद्यालय होता है उसमें आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालयों में 10 नॉन टीचिंग स्टाफ रखे जाते हैं और साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट वाले आपके विद्यालय हैं उनमें आपके 14 जो है कर्मचारी रखे जाते हैं। और फिर भी अगर देखा जाए 10 साल बाद ये नियुक्ति खुलने जा रही है तो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा आपका क्या होना चाहिए, मौका होना चाहिए। 45,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं और हैं भी, वास्तविकता भी है, 45,000 पद आपके रिक्त बताए जा रहे हैं। आप अधिकतर देखिए एडेड कॉलेज में वो लोग आपके कार्य कर रहे हैं जो किसी के जान पहचान वाले हैं, उन्हीं को लगा दिया गया है, मामला चल रहा है किसी तरीके से। अब बात ये आती है कि आखिर इतनी भर्ती और 45,000 युवाओं को ही अगर नौकरी मिल जाए उत्तर प्रदेश के तो उनका तो कम से कम भविष्य संवरेगा। लेकिन सरकार की आजकल पता नहीं क्या मनोदशा बन चुकी है, वैकेंसी इतनी खाली है और इस वैकेंसी को भाई आप जो है टीचर के लिए तो वैकेंसी निकाल रहे हो, टीजीटी पीजीटी आप किसी तरीके से 25,000 में आपने 5,000 दे दिया, 20,000 वो भी नहीं दिया, ये वैकेंसी इतनी बड़ी खाली है इसको आप एक बार में ना दीजिए, आप दो बार में दे दीजिए, तीन बार में 10,000 करके निकाल दो, चार बार में निकाल दो, लेकिन दो तो सरकारी नौकरी। इसमें इन्होंने क्या मजाक बना रखा है युवाओं का, वो बात सामने निकल के आती है। 18 से 40 वर्ष तक के लोग आवेदन करेंगे, 13,000 रुपए इनको मानदेय देंगे। अब 13,000 रुपए मानदेय, भाई न्यूनतम वेतन आपका 18,000 तो चलता है सब में सरकारी नौकरियों में, अब ये 13,000 कहां से देंगे? 13,000 ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी के जितने कर्मचारी होंगे इनकी भर्ती ये आउटसोर्सिंग से करने जा रहे हैं। अभी तक आप रेलवे में देख रहे थे आउटसोर्सिंग का मामला, अब एडेड कॉलेज में भी आउटसोर्सिंग से पद भरेंगे 45,000 रिक्तियों में। मतलब 45,000 युवाओं का करियर एक जो है अच्छे भविष्य की ओर ले जाने की बजाय इनमें मानदेय के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति की जाए। मतलब अगर सरकार के मंसूबों की बात की जाए तो वाकई जिस हिसाब से इस गवर्नमेंट का लगातार रवैया रहा है, इतना निराशाजनक रवैया कभी देखने को नहीं मिला। जिस आधार पर युवाओं ने जिस बदलाव के लिए इनको वोट दिया, इनको जिताया, सारी चीजें किया, वो सबका सब पूरा का पूरा चकनाचूर दिख रहा है बीजेपी में और चाहे जो कुछ बेस्ट रहा हो, लेकिन एक मामले में जब जब इसकी सरकार आई है आज तक देखने को मिला, नौकरी को लेकर के ये गवर्नमेंट आपकी सबसे बेकार साबित हुई, सबसे फिसड्डी गवर्नमेंट रही। इनकी पता नहीं कौन सी नीति है, सिर्फ आप राजकोषीय खजाना भरते रहिए, ठीक है, उसको खर्च ना किया जा सके। आप वैकेंसी निकाल रहे हो, उत्तर प्रदेश में इतने सारे युवा हैं, सबसे आप 25-25 रुपए पहले फॉर्म भरवाने के ले रहे हो, उसके बाद जब मुख्य परीक्षा आती है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ले रहे हो, चल क्या रहा है? मतलब पूरी तरीके से युवाओं का शोषण हो रहा, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो रहा, चाहे आप जो है एक तरीके से भविष्य को लेकर के देख लीजिए, सब तरीके से युवा ही पिसता नजर आ रहा है। और ऊपर से कोई वैकेंसी होती तो आप बोल देते हो कि हमें इतने पद रिक्त हुए इसमें लोग मिल ही नहीं रहे हैं काबिल लोग। मतलब नौटंकी अगर देखा जाए सरकार की। अब ये एक इतना अच्छा मौका था, ठीक है, अभी किसी ने मुझे कटिंग भेजी कि सर जो है देखिए सर ये रवैया क्या है सरकार का, इनके जो है विरोध में किया क्या जाए। हर एक युवा आपका अभी यूपी पुलिस का ट्विटर अभियान चला, तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठा के, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड नहीं जवाब दे रहा, डीजीपी और आईजी इन सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड जवाब दे रहा है कि नहीं ये सबका सब भ्रामक है।
हमने बहुत वैकेंसी निकाल दी। अब 45,000 वैकेंसी फिर से जो है पिछले साल से चिल्ला रहे हो, आज तक कहां गई? एक वैकेंसी यह देखने को मिल रही है जिसमें आउटसोर्सिंग से आप भर्ती कर रहे हो, और जितने भी चतुर्श्रेणी, ऐसा थोड़ी है कि चतुर्श्रेणी के सारे पद बेकार हैं। ग्रुप डी में आज के जैसी हमारी दशा है उत्तर प्रदेश की, कुछ ना कुछ तो युवाओं को मिलना चाहिए। भाई 45,000 अगर युवा इधर सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो आप सोचिए एक बहुत बड़ा वर्ग आपका कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी आप एडेड कर 13,000 रुपए में क्या करेगा बंदा? आप पूरी की पूरी वैकेंसी की वाट लगा के रख दी हो। और इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नीति यही खराब है, इसमें कह रहा कि इंटरमीडिएट पास और 40 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और 13,072 रुपए मानदेय दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण करेगा और प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त आपके जो है विद्यालय, 10 एक मिनिमम चाहिए हाई स्कूल लेवल पर और उस पर आपके जो है 14 कर्मचारी चाहिए, तो बहुत सारे ठीक है हाई स्कूल में 10 कर्मचारी होते हैं और इंटरमीडिएट में आपके 14 चतुर्श्रेणी के कर्मचारी रखे जाते हैं स्कूलों में, इसलिए लगभग 45,000 पद आपके रिक्त हैं। लेकिन अब इनका किया क्या जाए? ठीक है, आप आउटसोर्सिंग से भर्ती करने जा रहे हो, कुछ तो युवाओं का जो है भविष्य बनता, कुछ को तो नौकरी मिलती, लेकिन इस सरकार का रवैया ना एकदम तानाशाही वाला हो गया। आप कुछ भी करें भाई, जैसे मैंने बताया अभी ट्विटर अभियान हुआ, सीधा सीधा मना कर दिया। टीचिंग वाली आपकी चीजें हुई तो पहले ही आपके अखबार वगैरह में ये लोग, अधिकारियों को पता चल जाता ना, अखबार वगैरह में ये लॉलीपॉप देना शुरू कर देते हैं। कोई चीज धरातल पर दिख ही नहीं रही है। और इस बार तो ये तो पक्का है कि अगर इन्होंने 24 से पहले अच्छी वैकेंसी नहीं दी तो फिर केंद्र तो जाएगा ही जाएगा और इनके हाथ से अब राज्य भी जाएगा, क्योंकि जिस आधार पर, जिस परिवर्तन के लिए इनको सपोर्ट किया गया था, वो परिवर्तन पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो गया। अभी इसमें क्या कह रहा है, ठीक है कि इसमें पूरी की पूरी चीजें आपकी जिस हिसाब से चल रही है, चयन प्रक्रिया एक जेम पोर्टल अपने यहां है उसी से हुआ जो है चलता है और उसी आधार पर सब कुछ चल रहा है। आगे इसमें नौटंकी क्या है कि चयनित अभ्यर्थी मापदंडों पर खरा ना उतरे तो उसे एक महीने का नोटिस देकर कार्यमुक्त भी किया जा सकेगा। आउटसोर्सिंग ये इसलिए कर रहे हैं कि एक महीने आपने काम किया सही से नहीं हुआ तो आपको बाहर, ठीक है, 13,000 रुपए की नौकरी पर, ठीक है। और इसमें जितने भी हैं अभ्यर्थी उनको एक महीने में चयनित अभ्यर्थी भेजना होगा जो अन्य आपके अभ्यर्थी होंगे और उनको 1548 रुपए ईपीएफ के रूप में काट लिया जाएगा 13,072 रुपए में। 13,072 रुपए ये मानदेय देने की बात कर रहे हैं और उसमें से आपका 1548 रुपए ईपीएफ काट लेंगे आपका, मतलब 10,000 रुपए में बंदा नौकरी करेगा और सब कुछ अपना कर लेगा। कितनी उचित इनकी जो है व्यवस्था है, बस वही चीजें देखने को मिलती हैं कि आपका सरकार बहुत सुचारू तौर पर चल रही है। अभी देखा जाए इसमें, जैसे एक और इसमें आपकी न्यूज आई है कि आउटसोर्सिंग से मनरेगा में बात किया जाए तो 1278 पद आपके हैं मनरेगा में, और ये 1278 पद क्या होते हैं, ठीक है, जिलों में 1278 जो पद है इनको भेज दिया गया है ग्राम विकास विभाग को, और इसमें ये जो पद हैं आपके मुख्य तौर पर तो जो मनरेगा में जिला कार्यक्रम समन्वयक होते हैं उनका पद है, जिला कार्यक्रम समन्वयक होते हैं मनरेगा के, जिला स्तर पर ये पोस्ट होती है, 1278 पोस्ट खाली है तो उनका आपकी रिक्ति भरने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ताकि गांवों में क्या किया जा सके, रोजगार से जोड़ने और गांवों के विकास के काम को गति दी जा सके, ठीक है। अब इसमें देखिए 1278 पदों पर जो ये आपकी रिक्तियां हैं इनके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक या डीएम को नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए। ये जनपद स्तर पर वैकेंसी आपकी होनी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये जो आपकी है यह भी आपकी क्या कह रहा, सेवा प्रदाता के माध्यम से की जाएगी भर्ती, जो जनपद स्तर पर विभिन्न रिक्ति पर आपका सेवा प्राप्त किए जाने वाले के संबंध में जारी शासनादेश के हवालों से भर्तियां करने के लिए कहा गया। और इसमें मनरेगा के तहत जनपद तथा विकासखंड स्तर पर सृजित प्रशासनिक पद का आकलन कर उपलब्ध धनराशि की सीमा के भीतर जरूरी संख्या में मनरेगा संविदा कर्मियों को सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती की जाए। इसमें भी वही आपका रहेगा, मतलब दो चीजें निकल के आई जिसमें कुछ तो बेस्ट आपका हो सकता था, लेकिन दोनों की दोनों आपकी न्यूज ऐसी है कि इबाल लगातार हताशा की ओर जा रहा है। यूपी SSSC इस हिसाब से काम कर रही, टीचर की वैकेंसी देखने को ही ना मिल रही,
अन्य जितने भी आपके विभाग रहे वो पीटी उठा के चौपट कर दिए हैं। अगर 23 में इनका अच्छा काम नहीं होता है तो फिर वही चीजें होगी कि परिवर्तन की मांग पुनः उठेगी और होना भी चाहिए। इस तरीके से आप ठीक है हाथ पर हाथ रख के अपने भविष्य को दांव पर लगाकर उसको गर्त में नहीं ढकेल सकते। कोई भी अन्य जानकारी होती है तो उसके साथ लेकर के फिर मिलूंगा आपको। बहरहाल ये चीजें जो देखने को मिली ठीक है, इसमें सकारात्मक मैं आपसे क्या बोलूं, स्वयं से वो चीजें देखने को मिल रही हैं ठीक है। अधिकतर चीजें तो आपकी, जहां 45,000 युवाओं का भविष्य जो है समर जाता, उनके परिवारों को इतनी खुशी मिल जाती, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता, वहीं उनके साथ एक भद्दा मजाक देखने को मिल रहा है। फिर कोई आपकी नई अपडेट मुझ जैसे ही मिलती है ठीक है, किसी भी आपके विभाग से संबंधित, उस सूचना को लेकर के पुनः हाजिर होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आना है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर मिलती रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।